स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूझ और बढ़ते खबरों की ओर। आज होगा लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का होगा ऐलान। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। तो दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और आज दोपहर 3 बजे ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है फिर से जो है एक बार फिर से पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो जहां 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए थे तो वही संभावना जताई जा रही है इस बार भी 7 से 8 चरणों में जो है लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 3 बजे का वक्त बताया गया है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है, 3 बजे का समय बताया गया, क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है? जब यहां पर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जाएगी और देश भर में जो लोकसभा चुनाव की जो तिथियां हैं उन तिथियों का ऐलान यहां पर कर दिया जाएगा। उम्मीद यह है, जो सूत्र बता रहे हैं ये है कि 7 से 8 चरणों में ये इस बार का लोकसभा का जो चुनाव होगा वो यहां पर संपन्न होगा। राज्यों की भी अपनी अपनी तैयारियां हैं, उन सभी तैयारियों की समीक्षा कल देर शाम जो चुनाव आयोग के जो सदस्य बने हैं उनकी तरफ से यहाँ पर की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ जो चुनाव आयुक्त हैं डॉक्टर SS संधू और मित्रा, उनकी तरफ से उनके यहाँ पर पूरी समीक्षा की गई थी और जाना गया था कि किस प्रकार से चुनाव को लेकर यहाँ पर काम अभी तक किए गए हैं, आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये सफल यहाँ पर हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर हम उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य ने भी अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाए गए हैं। मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को वोट करने की अपील यहाँ पर की जा रही है। जो युवा वोटर्स थे उनको मतदान सूची से जोड़ने का काम यहाँ पर हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य है जहाँ पर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला है, या जो युवा मतदाता है वो अपने राज्य की कुल जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा सीधे तौर पर उत्तराखंड में जो निर्वाचन आयोग की जो तैयारियाँ उसमें भी कह सकते हैं कि संभावना यही जताई जा रही है कि उत्तराखंड राज्य में जो लोकसभा चुनाव के लिए जो मतदान होना वो पहले चरण में यहाँ पर हो सकता है और उसके लिए पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो यहाँ पर तैयार है और आज देर शाम 5 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी तैयारियों को भी जनता के अंदर रखने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। राज्य में लगभग 82 लाख से ज़्यादा के मतदाता यहाँ पर हैं जो इस बार मत का अपना प्रयोग करेंगे और देश की जो सरकार है उस सरकार को चुनने का काम करेंगे। युवा मतदाताओं की संख्या अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो इस बार लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रदेश में कितने मतदान केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड में अगर मतदान केंद्रों की अगर हम बात करते हैं तो 11,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ यहां पर होंगे जहां पर आम प्रदेश की जनता मतदान का प्रयोग अपना यहां पर करेगी। उन सब में ये कह सकते हैं कि जो सबसे दूरस्थ के जो क्षेत्र हैं आपका पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, 3 ऐसे जनपद हैं जहाँ पर सबसे दूरस्थ क्षेत्रों की पोलिंग पार्टियाँ हैं, लेकिन उनके लिए भी इस बार सुविधाएँ यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयार कर दी गई है। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर पिछली बार सड़क नहीं बन पाई थी तो उन जगहों पर इस बार जो हल्के लिंक मार्क हैं वो बनाने का काम वहाँ पर किया गया ताकि पोलिंग पार्टियाँ तय समय पर वहाँ पर पहुँच सके और मतदान के बाद जो तैयारियाँ हैं जो प्रतियाँ हैं उनको सकुशल वापस लाने का काम यहाँ पर किया जा सके। उत्तराखंड का सबसे दूरस्थ क्षेत्र का जो पोलिंग बूथ है वो चमोली में आता है और वहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में भी इस चुनाव के लिए पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग अपनी कमर कस चुका है और राज्य में शांतिपूर्ण मतदान हो उसके लिए पूरी तैयारी उनकी तरफ से कर ली गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार इस चुनाव के लिए शराब यानी जो अवैध शराब की जो जिसके लुभाने का जो काम यहाँ पर होता है चुनाव के दौरान जो अवैध शराब बांटी जाती है उस पर नकेल कसने की तैयारी यहाँ पर करी है और जो पैसों का जो दुरुपयोग यहाँ पर चुनाव के दौरान देखने को मिलता था जिसकी शिकायतें कई बार निर्वाचन आयोग तक यहाँ पर पहुँचती थी या पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से वो शिकायतें यहाँ पर की जाती थी
उस पर भी इस बार विशेष निगरानी रखने का काम यहाँ पर किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी कमर कस चुका है और जल्द ही जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तिथियों का ऐलान यहाँ पर कर दिया जाएगा तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका जो उसकी जो शक्ति है वो भी यहाँ पर ये भी जा रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर जो है एडवाइजरी भी जारी करी जिसमें खासतौर पर ये भी कहा है कि बच्चों का इस्तेमाल किसी भी तरह से चाहे वो पर्चे बांटने को लेकर हो रैलियों में शामिल करने को लेकर हो ना किया जाए। इसके अलावा और क्या हिदायत दी गई है? जी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है आचार संहिता लागू होती है तो अगले 24 घंटे के भीतर यानी आचार संहिता लगते ही उत्तराखंड में जो राज्य चुनाव आयोग की जो मशीनरी है वो यहां पर एक्टिव मोड में आ जाएगी। अगले 24 घंटे के भीतर किसी भी प्रकार से जो सरकारी जो संपत्तियां हैं या सरकारी जो बिल्डिंग्स हैं वहां से झंडे डंडे जो सियासी दलों के अभी तक के जो पोस्टर लगे उन पोस्टरों को हटाने का काम यहाँ पर कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार से नियमों का उल्लंघन ना हो उसके लिए जो टीमें हैं वो टीमें लगातार अपना सैन्य दस्ते के रूप में यहाँ पर काम करती नजर आएंगी, निगरानी बढ़ाती नजर आएंगी और कोशिश ये रहेगी कि शराब और पैसा का दुरुपयोग यहाँ पर ना हो, चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे उसके लिए पुलिस जिला प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन है उनसे लगातार संपर्क समन्वय बनाने का काम यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया। कोशिश ये की जा रही है कि आम जनता भी इसके प्रति जागरूक हो और उसके लिए बाकायदा निर्वाचन आयोग की तरफ से टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। यानी अगर किसी को कोई यहाँ पर चुनाव प्रभावित करता नजर आता है जो नियमों का उल्लंघन होता है या नियमों के विपरीत यहाँ पर काम करता है उसकी लोग आम शिकायत भी यहाँ पर कर सकते हैं, उसके लिए टोल फ्री नंबर यहाँ पर बाकायदा जारी कर दिए गए। तो कोशिश यही है राज्य में कि ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और उसके लिए पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। जी अभय बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली रवाना होने से पहले अपने आवास पर राज्य भर के लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी, साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए अधिकारियों को आदेश भी दिए। तो सीएम धामी ने जो है लोगों से बातचीत की और मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुनी और शिकायतों के निस्तारण के आदेश दिए हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने देशवासियों को अपना परिवार बताया है। तो सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी का लेटर जारी किया है जिसमें पीएम मोदी ने देश की जनता को देशवासियों को अपना परिवार बताया है। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक मालचंद ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि पुरोला विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। गौरतलब हो कि इससे पहले गंगोत्री से पूर्व विधायक विजय पाल सचपान ने भी कांग्रेस को बाय बोल दिया था। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि दोनों ही नेता बड़े दल बल के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक के बाद एक लगातार झटके मिल रहे हैं। और हरिद्वार सीट पर कांग्रेस का मंथन अभी भी जारी है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस हरिद्वार में एक दूसरे को मंथ रही है इसलिए अभी तक निर्णय नहीं ले पाए हैं। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हम इसलिए मंथन कर रहे हैं क्योंकि इस मंथन से फुल क्रीम निकलेंगे जिससे मक्खन अच्छा निकलेगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ऐसा प्रत्याशी हरिद्वार को देगी जिससे बीजेपी के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत भी घबराएंगे। तभी तो कुछ मक्खन निकलेगा, वो
वो अपने यहाँ तो ठीक कर ले, भले अपना मक्खन ठीक कर ले, बाकी तो वो हमारी चिंता न करें। हम तो इसलिए मत रहे हैं कि हम बिल्कुल फुल क्रीम निकालेंगे, अच्छा 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 मक्खन निकालेंगे जिससे घी भी अच्छा होगा और अच्छा उम्मीदवार सामने आएगा। उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया पूछेगा। कई मंथन का सवाल इसलिए भी पैदा हो रहा है कि देखिए हरिद्वार बड़ा महत्वपूर्ण और सेंसिटिव लोकसभा क्षेत्र है और हरीश रावत जी की कर्मस्थली भी रही है। लंबे समय से वहाँ हरीश रावत जी भी काम कर रहे हैं, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं आप जरूर कह रहा हूँ कि जो उम्मीदवार आएगा उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी घबराएगी और त्रिवेंद्र सिंह जी भी घबराएंगे। और बढ़ते आगे खबर कर्णप्रयाग से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा सकुशल कराए जाने के अंतर्गत कर्णप्रयाग पुलिस और आईटीबीपी के जवानों द्वारा कर्णप्रयाग नगर में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान आम जनमानस से आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक एवं निर्भीक होकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की गई। और लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और जोर शोर से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अभय केंद्रानी। लोकसभा चुनाव के मेला में आज कभी भी आचार संहिता संसदीय तिथियों का ऐलान नहीं होता। हमारे बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत की। सर, किस तरह की तैयारियां आज कभी भी ये कह सकते हैं कि तिथियों का ऐलान? हम लोग पहले से तैयार हैं और आज आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद संगठन के कार्यक्रम आचार संहिता के दायरे में रह के किए जाते हैं। उसके हमने रचना की, हमारे हमने प्रत्येक विधानसभा में चुनाव प्रबंधन टोली बनी हुई है। आज हमने अपने प्रत्याशियों को कहा है 20 तारीख तक वो 14 की 14 विधानसभाओं में उनका जाना हो, जन समर्थन मांगे। कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वागत के कार्यक्रम भी किए जाएंगे, प्रबंध समिति की बैठक भी वो लेंगे। इस सब प्रकार रचना बनाई है। 20 तारीख को पुनः हमारी बैठक होगी, उसमें नामांकन किस तारीख को करना है उसकी तिथि हम उस दिन तय करेंगे। पांचों सीटों पर प्रत्याशी घोषित है, जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, कितने मिली जीत? नहीं, अब तो पूरे प्रदेश का जनमानस, मीडिया से लेकर हर तंत्र ये मान के चल रहा है कि पांचों सीटें भाजपा जीतने जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि 500,000 से प्रत्येक लोकसभा में जीते। इस लक्ष्य में कांग्रेस के बड़े नेता आप भी, आपके जनमानस की तैयारी आज भी कुछ बड़ी संभावना है, क्या लगता है? नहीं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और मैंने शुरू में कहा था बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो एक माहौल उससे खड़ा होता है। और कांग्रेस के ऐसे जो पुराने विधायक रहे, जनाधार वाले लोग हैं, वो हमारे साथ आ रहे। मान के चले पौड़ी लोकसभा है हमारी, टीरी लोकसभा है, उधम सिंह नगर के अंदर भी है और धीरे धीरे आप 2-4 दिन में और देखें कितने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। देखिए एक आखिरी सवाल, अब क्या कुछ लगता है कांग्रेस अभी तक 2 सीट पर भी मंथन कर रही है, हरिद्वार ना घोषित कर पाई ना नैनीताल घोषित, क्या लगता है अभी भी? जहाँ भी घोषित किए वहाँ के वो भी जानते हैं क्या होने वाला है। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहूँ 1-2। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।